आज के इस शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग गंगा विकास जल संसाधन विकास के मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, यहां के स्थानीय सांसद, भारत सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी, जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर एस के सिंह बघेल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र श्री अश्विनी त्यागी जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री अजय कुमार जी, जिलाध्यक्ष संजय खोकर जी, जिला प्रभारी वाईपी सिंह जी, माननीय विधायक गण श्री के वी मलिक जी, योगेश धामा जी, सहेंद्र सिंह रमाना जी, प्रदेश मंत्री देवेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद कुंवर भारतेंदु सिंह जी, जयप्रकाश तोमर जी, श्रीमती अनुराधा चौधरी जी, श्रीमती अलका तोमर जी, माननीय विधायक श्रीमती मंजू शिवाद जी, माननीय विधायक तेजेंद्र निर्वाल जी, नंद किशोर गोजर जी, जितेंद्र कुमार सत्ताई जी, प्रमद मलिक जी, पूर्व विधायक साहब सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित पदाधिकारी, उपस्थित इस क्षेत्र के सभी नागरिक बंधुओं, माताओं बहनों, मैं आदरणीय गडकरी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की धरती पर जहां पर पिछले 4.5 वर्षों के दौरान उन्होंने 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं देकर के उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई गति देने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आप जिस राजमार्ग का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय गडकरी जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, ये कितना महत्वपूर्ण रहा है। बागपत से सामली, सामली से सहारनपुर कितना महत्वपूर्ण है। आपके माननीय सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी को कितना इसके लिए पापड़ बेलना पड़ा था। पिछली सरकारें इसका यूसी नहीं देती थी। जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम लोगों ने इसका एनओसी भी दिया और गडकरी जी ने तत्काल इसके लिए पैसा भी स्वीकृत करके आज इसका शिलान्यास किया जा रहा है। अब आपको बागपत से लेकर के सहारनपुर तक और उसके आसपास के क्षेत्रों में 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी। इन राजमार्गों के निर्माण के माध्यम से विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे लगता है कि बागपत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा इसको कोई नहीं जानता। जिन्होंने विकास की योजनाओं के माध्यम से, बुनियादी ढांचागत विकास के माध्यम से अपने स्वयं के विकास को प्रदेश के किसी अन्य क्षेत्र की तुलना में कई गुना आगे बढ़ाया है और इसमें से आज का जो कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, आदरणीय गडकरी जी आए हैं, केंद्र के 2 अन्य केंद्रीय मंत्रीगण जनरल साहब डॉक्टर सतपाल सिंह जी और प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण एक साथ यहां पर एकत्र होकर के इन सभी परियोजनाओं में एकत्र हुए हैं कि वास्तव में इस क्षेत्र के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आदरणीय गडकरी जी ने पूरी तन्मयता के साथ विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं गडकरी जी का जो मंत्रालय है उसमें उनकी डिक्शनरी में कहीं भी ना शब्द नहीं है। मैंने इस बात
का है। मुझे उनके साथ संसद में रहने और उनके नेतृत्व में भारत सरकार की राजमार्ग और सड़क परिवहन विभाग के कार्यों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मैं जानता हूं जिन कार्यों के लिए हम लोगों को परेशान होना पड़ता था, गडकरी जी के आने के बाद उनके संज्ञान में जैसे ही बात आई, वे तीसरे दिन उस कार्य की स्वीकृति देकर के हमको फोन करके बोलते थे कि कार्य स्वीकृत हो गया है, शिलान्यास तिथि तय करिए, और फिर वह कार्य युद्ध स्तर पर चल होता था। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 1,20,000 किलोमीटर से अभी की ऐसी सड़कें, जिन सड़कों को उन्होंने किसी न किसी रूप में छुआ है, उसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई है, और आज उत्तर प्रदेश भी अपनी बेहतर कनेक्टिविटी के लिए देश के किसी भी अन्य राज्य के साथ प्रतिस्पर्धा के साथ खड़ा हो सकता है। और मैं इसके लिए आदरणीय गडकरी जी का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य पर उन्होंने जो कृपा दृष्टि दी, आज उसका परिणाम विकास के रूप में हम सबको मिल रहा है। रिकॉर्ड समय में दिल्ली के चारों ओर पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का निर्माण करना, ईस्टर्न पेरिफेरल वे का प्रधानमंत्री जी ने 27 मई को उद्घाटन किया, आपने देखा होगा ये फोर वे कोई जानता था, इन क्षेत्रों में बनेगा, और आज उस फोर वे के माध्यम से हम विकास की अनेक योजनाओं के साथ जुड़ने जा रहे हैं। ये गडकरी जी की दूरदृष्टि, निर्णय लेने की क्षमता और युद्ध स्तर पर इन कार्यों को आगे बढ़ाने की जो दक्षता है, उस दक्षता का परिणाम है कि आज राजमार्ग मंत्रालय पूरे देश और दुनिया के सामने एक उदाहरण बना हुआ है। कार्य कैसे होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता कैसे होनी चाहिए, ये वास्तव में अपने आप में एक अभिनंदनीय कार्य और सराहनीय कार्य उनके नेतृत्व में चल रहा है। और भाइयों बहनों, जब हम यहां पर इस क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह जी की इस जन्मभूमि और कर्मभूमि में आए हैं, मैं इस अवसर पर आदरणीय गडकरी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जिनके नेतृत्व में राजमार्ग मंत्रालय ने नई नई ऊंचाइयों को छुआ है, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और हर क्षेत्र के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार की भी अनेक योजनाओं का यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आप जानते हैं जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई थी लगभग 16 माह पूर्व, तब उत्तर प्रदेश में 1,22,000 किलोमीटर की सड़कें ऐसी थी जिनमें सपा और बसपा सरकार के पाप के गड्ढे बने हुए थे, और उन पाप के गड्ढों के कारण यहां का विकास बाधित था। और आज मैं कह सकता हूं केशव जी के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी विभाग ने 1,20,000 किलोमीटर की इन सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के साथ साथ इन सड़कों के नवीनीकरण के कार्य को भी स्तर पर आगे करने का कार्य किया है, और उसी में से आपके संसदीय क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम अभी यहां पर गडकरी जी के कर्तव्यों से यहां पर संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश आज विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तत्परता के साथ आगे चल रहा है। आगे प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को ध्यान में रखकर के हमने जो कार्य प्रारंभ किया, आपने देखा होगा आज आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होता। पहले बिजली कितनी मिलती थी आपको, आज तो बिजली मिल रही होगी आपको भी यहाँ पर। और भाइयों बहनों, अगर बिजली मिल रही है तो इसको स्वीकार करिए। सपा बसपा की सरकार में बागपत को बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन आज हम बिजली दे रहे हैं। दूसरा, कावड़ यात्रा यहां की निकलती थी ना, और सरकारें प्रतिबंधित करती थी ना, हमारी सरकार आई, हमने कहा कावड़ यात्रा पे प्रतिबंध नहीं लगेगा, डीजे भी लगेगा और पुष्प वर्षा भी करेंगे। सम्मान के साथ पर्व और त्योहारों को कैसे मनाया जाता है, यह कार्य भी किया गया। और यहां पर भी मैं देख रहा था गन्ना किसान कह रहे थे गन्ना मूल्य का भुगतान, मुझे लगता है कि देश के अंदर गन्ना सड़क और गन्ना क्षेत्र के एक्सपर्ट गडकरी जी हैं, उन्होंने नई नई तकनीक दी है,
चीनी मिलों का संचालन करते हैं और इन गन्ना के माध्यम से कैसे जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, इसके अनेक इनोवेशन को उन्होंने जन्म दिया है। और उसी दिशा में हम लोगों ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था लाई है, भाइयों बहनों यहाँ पर जो गन्ना किसान अभी कह रहे थे कि किसान गन्ना मूल्य का भुगतान क्या होगा, मैं उनके सामने ये कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने इस वर्ष अब तक 36,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में सीधे किया है और जो 10,000 करोड़ रुपया बाकी है, ये 10,000 करोड़ रुपए के लिए हम स्कीम लेकर के आ गए हैं। मैं आज आपको आश्वस्त करने के आया हूं कि फेडरेशन और कॉपरेटिव की जितनी भी चीनी मिले हैं उनका पैसा हम लोगों ने, उसका पैसा हम लोग बजट में दे दिए हैं और मेरा प्रयास है कि मैं 15 सितंबर तक उस पैसे को तत्काल भुगतान करा लूं और साथ साथ 4,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का हम लोगों ने जो निजी चीनी मिल है जिसमें मलकपुर चीनी मिल भी है, इन चीनी मिलों के एक पैकेज लेकर के हम लोग आ गए हैं। ये लोग सॉफ्ट लोन लें और सॉफ्ट लोन के माध्यम से गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे उनके खाते में डालें और अगर गन्ना किसानों का 15 अक्टूबर तक गन्ना मूल्य भुगतान नहीं होता है तो सरकार का गन्ना साथ साथ चलने को तैयार भी होगा। अगर सरकार आपको सुरक्षा दे रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ढूंढे बदमाश जितने थे या तो वो छोड़ के भाग चुके हैं या फिर कहीं और जगह चले गए हैं, आज परेशान नहीं करते होंगे, आज अपहरण नहीं करते होंगे, एसिड अटैक का उनका जो एक फितरत थी वो बंद हो गई है, फिरो की मामला बंद हो गया है और अपराधियों के साथ सख्ती के साथ निपटने के अलावा बिना भेदभाव के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने की जो रणनीति हमारी सरकार ने बनाई है उसी क्रम में आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए। आप जानते हैं सपा बसपा ने यहाँ के किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन से वंचित किया था, हमारी सरकार आई हमने कहा हर किसान को ट्यूबवेल का कनेक्शन भी देंगे। पिछली सर्दियों में एक भी किसान शीतलहरी में नहीं मरा क्योंकि हमने इतनी बिजली दी किसानों को कि दिन में ही जब वो पानी डालते हैं अपने खेत में तो उसको रात्रि को खेत में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भाइयों बहनों विकास इस अभियान को लेकर के आज जब हम बढ़ रहे हैं आज उसी प्रक्रिया को एक नई दिशा देने के लिए आदरणीय गडकरी जी हम सबके बीच में यहाँ पर आए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्रालय ने विकास की जो नई नई ऊंचाइयां छुई हैं उन नई ऊंचाइयों के साथ उत्तर प्रदेश कदम से कदम मिलाकर के चलने को तत्पर है और उस कदम से कदम मिलाकर के चलने के इस क्रम में आज मैं आप सबको आश्वस्त करने के आया हूं। यहां पर कुछ आशा बहनें भी खड़ी थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी खड़ी थी, होमगार्ड के जवान भी खड़े होंगे और भी न जाने अन्वेषक खड़े होंगे, शिक्षक खड़े होंगे। अरे मैं तो कह रहा हूं इतनी जगह हमारे पास है कि उन जगहों को भरने के लिए योग्य मौजूदा तो आए आगे, हम लोग आपको नौकरी दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में जितनी नौकरियां निकल रही हैं ये बिना भेदभाव के, बिना किसी सिफारिश के, बिना लेन देन के, आप आइए उनका फॉर्म भरिए और नौकरी में आपकी नियुक्ति होगी, कोई भेदभाव आपके साथ नहीं कर सकता। हमने 68,500 शिक्षकों की नियुक्ति निकाली और उसके लिए मात्र आवेदन आए 1,05,000। हमारे पास अभी 97,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। आप लोग आगे आइए, मैं नौजवानों से कहूंगा कितना शिक्षित बेरोजगार है, पीटी पास है, वे आवेदन करें। आपको बीएड पीटी को भी हम उसमें प्राथमिकता देने जा रहे हैं। जो शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने बीएड या पीटी सीट पीटी पास किया है वे लोग भी आवेदन करें। पूरी तत्परता के साथ योग्य शिक्षक बनाने की इस प्रक्रिया को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ का नौजवान पुलिस में भर्ती होने के लिए जाता था उसको छांट दिया जाता था। हमारी 42,000 की पुलिस की भर्ती तत्काल होने जा रही है और 50,000 की भर्ती हम जनवरी में फिर लेकर के आ रहे हैं। आप आवेदन करिए, कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता।
खूब दौड़िए कि जितने राजमार्ग गडकरी जी बना रहे हैं, जब इसमें वाहन नहीं होते सुबह शाम उस समय इसमें 10-10 किलोमीटर पैदल दौड़ने का अभ्यास करिए और गडकरी जी को धन्यवाद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद करिए कि उनके कारण अच्छे राजमार्ग बन गए हैं। अगर स्टेडियम नहीं तो कम से कम अच्छे 4 लेन 6 लेन के राजमार्ग हैं, इन राजमार्गों में दौड़ने का अभ्यास करिए, फिजिकली फिट रहिए और उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी धरती का इंतजार कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है, आपको धरती बिना भेदभाव के हम लोग करने जा रहे हैं। और मैं इस अवसर पर बधाई दूंगा यहाँ के अपने खिलाड़ियों को। अभी एशियन गेम हुए थे, एशियन गेम में उत्तर प्रदेश के हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए और इस क्षेत्र के श्री सचिन राठी, श्री रवि कुमार और शार्दुल में और इनके कोच डॉक्टर राजपाल सिंह, श्री विवेक मलिक, इनके जो कोच हैं, मैं इन सबको बधाई दूंगा। इनके सम्मान के लिए अलग से कार्यक्रम हम लोग लखनऊ में करने जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने प्रदेश का भी और देश का भी नाम ऊंचा किया है और इन खिलाड़ियों को हम लोग सरकारी नौकरी भी देंगे, अन्य व्यवस्थाओं में इनको हर प्रकार की आर्थिक मदद भी देंगे और आगे बढ़ने के लिए भरपूर अवसर देने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास की जो एक सोच देश के अंदर दी है, हम विकास की इस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़े। कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, ये जितने दल हैं ये सब दलदल में फंसे हुए हैं, आतंक भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। इन्होंने जाति के आधार पर समाज को बांटा है और जाति के आधार पर बांटकर आज मैं आपके पर्व और त्योहार को प्रतिबंधित करने का कार्य वो करते थे। हमारी सरकार आई, हमने न जाति के आधार पर बांटा, न क्षेत्र के आधार पर बांटा, हमने तो आपको सुरक्षा दी, आपको विकास के साथ जोड़ा और सुरक्षा और विकास के साथ साथ हम लोगों ने आप सबसे कहा कि पर्व और त्योहार बड़े सम्मानजनक ढंग से मनाइए, कोई रोक टोक नहीं होगी, सुरक्षा और सुविधा देना सरकार का काम होगा, सरकार अपना दायित्व निर्वहन करेगी और हम लोगों ने अपने दायित्व का निर्वहन भी आपके बीच में आकर के किया। आज मैं एक बार अपना आप सबसे कहने के आया हूं, यहां पर डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का फोन मेरे पास आता है क्योंकि वे पुलिस विभाग में रहे हैं, उनकी पुलिस की आती अभी भी गई नहीं है, रात 12 बजे 12:30 बजे फोन उनका आता है कि हमारे यहाँ की चीनी मिलों का क्या हो रहा है, गन्ना मूल्य का भुगतान का क्या हो रहा है, हमारे यहाँ के विकास का क्या हो रहा है, विकास की योजनाओं के बारे में उनके बराबर फोन आते हैं, बराबर वे कहते हैं। और भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत वर्ष हम लोगों ने आपके यहाँ की रामाना चीनी मिल की क्षमता को हम लोगों ने दुगना किया, उसके लिए धनराशि हम लोगों ने दे दिया है और वहां पर हम लोग 27 मेगावाट के बिजली के पावर प्लांट को भी उसके साथ हम जोड़ने जा रहे हैं, जिससे भाजपा और आसपास के क्षेत्र को बिजली के लिए और जगह देखना ना पड़े, वहीं से आपकी आपूर्ति हो जाएगी। आपके यहाँ का गन्ना, आपके यहाँ का गन्ना ही आपको यहाँ पर बिजली देने में भी यहाँ पर आपको वह सुविधा भी उपलब्ध करा देगा। हमारे पास बहुत सारे अन्य कार्यक्रम है, यहाँ की जो 3 अन्य चीनी मिले हैं मरकपुर के बारे में हमने कह दिया है कि सॉफ्ट लोन की व्यवस्था हमने करके 4,000 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की व्यवस्था हम लोगों ने की है और हम चीनी मिल मालिकों को कह रहे हैं वे इस पैसे सॉफ्ट लोन में अपनी गारंटी दें और इस पैसे का भुगतान हम सीधे किसानों के खाते में करेंगे और उसके बाद अगर गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होगा बहुत सख्त कार्रवाई सरकार के स्तर पर होगी। इसके अलावा बागपत चीनी मिल के लिए भी हम लोगों की एक कार्य योजना बन रही है, लेकिन ये आप सबसे अपील होगा गन्ना के अलावा कुछ अन्य फसलों को भी बोने की आदत डालनी पड़ेगी। दिल्ली का बाजार आपके पास है, आप इतना गन्ना लगा दे रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को शुगर हो जा रहा है और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि दिल्ली का बाजार आपके लिए इतना अच्छा है, अगर सब्जी की खेती आप करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका आप कार्य कर सकते हैं। वैसे गन्ना के लिए भी गडकरी जी नई चीज लेके आ गए हैं और आ गए हैं कि चीनी मिलों को जितनी चीनी की आवश्यकता होगी उतनी चीनी
और सेल्स को इथेनॉल में बदल करके किसान को बेहतर दाम देने का कार्य भी करेंगे और बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसको लागू करने में एक दो साल लग जाएंगे और मुझे लगता है कि उसके बाद किसानों के जीवन में खुशहाली आने का बहुत अच्छा कार्य हो पाएगा। मैं इस अवसर पर आप सबको इस बारे में कह सकता हूँ कि सरकार पूरी तत्परता के साथ आपके साथ कार्य करने को तैयार है। मैं सभी से कहूंगा कि जो भी भाई काम है उन सबको मैं कहूंगा कि उनकी जो भी बात हो लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के संज्ञान में लाए। सरकार संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान करने को इच्छुक है। और दूसरा, हम लोग किसानों की समस्या हो, नौजवानों की समस्या हो, शिक्षा मित्रों की समस्या हो, आंगनबाड़ी आशा बहुएगी या होमगार्ड के जवानों की, हमने क्रमिक रूप से इनकी समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए हैं, आगे भी हम कदम उठाएंगे। मेरे पास एक और प्रस्ताव आया है और वह है बड़ौद में जो स्टेडियम बन रहा है, हम लोगों ने बनाया है बड़ौद में, उसको बाबा सावर के नाम पर जो 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के बहुत बड़े योद्धा थे, उन योद्धों के नाम पर इस बड़ौद के स्टेडियम को बनाने के लिए मैं इसकी घोषणा इसके साथ करते हुए आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हुए केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का एक बार पुनः हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अपने नेतृत्व में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने जो ऊंचाइयां छुई हैं इसी क्रम को अन्य विभाग भी प्रदेश के मंत्रालय भी इसी गति के साथ आगे बढ़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद।